हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने गार्डन में। आज हम आप लोगों को अपनी कटिंग दिखाने जा रहे हैं। जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो अब ग्रो हो गई हैं, तो उनको शेयर करने जा रहे हैं कि मैंने कौन कौन सी कटिंग लगाई हैं और उनकी कैसी ग्रोथ हुई है, वो आप लोग देखिएगा। यह पराजिता के फूल खिले हुए हैं। अब देखिए, ये सारी मेरी कटिंग्स हैं और भी हैं जो मैंने गमलों में ही लगा दी हैं। यह अमेरिलिस का इनके बल्ब हैं जो मैंने अब लगा दिए हैं, इनमें भी ग्रोथ होने लगी है, किले नीर निकल आए हैं। ये बेबी टीयर्स का तो आसानी से ग्रोथ होती है। ये डेंथस का भी लगाया था और ये सफलेरा की भी मैंने कटिंग लगा दी थी। दो ही पत्तियाँ की डंडी लगाई थी, अब तीन पत्तियाँ इसमें और नई निकल आई हैं। ये भी मैंने छोटी सी डंडी लगा दी थी, उसकी भी ग्रोथ हो गई। ये देखिए, नई पत्तियाँ आ गई हैं। और ये टर्टल आए हैं, इसे तो आप कहीं भी लगाइए, हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए ग्रोथ होती है इसकी, छोटी सी कटिंग भी चल जाती है। ये मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी, ये देखिए इसमें भी नई किल्लियाँ निकल आई हैं, पत्ते भी आ गए हैं। इसको अभी 1 मंथ ही हुआ है, इतनी ग्रोथ हो गई है। ये गुड़हल की कटिंग है, इसको तो अभी 15 डेज ही हुए हैं लेकिन इसमें छोटी छोटी ग्रोथ होने लगी है। अब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं सोचा इसको भी आपके साथ में शेयर कर दूं। अब मैं आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिएगा, बहुत छोटी छोटी सी पत्तियाँ आई हैं अभी, ये देखिए, दिखाने की कोशिश कर, ये देखिए छोटे छोटे आ गए हैं। और ये मेरी ब्रोकन हार्ट की कटिंग, इसकी मैंने 2 पत्तियों की कटिंग मैंने लगाई थी, एक पत्ती तो इसकी सूख भी गई, ये 3 पत्तियाँ जो है नई आई हैं। ये सुदर्शन का प्लांट है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी अच्छे से ग्रोथ हो गया, अब हमें इसको रिपोर्ट भी करना है। एक ये मैंने, ये भी मैं 2 पत्तियों की कटिंग लगाई थी, ये मुझे बेबी सनरोज का प्लांट लग रहा है लेकिन अब इसमें भी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। ये मैंने छोटी सी क्लांचो की कटिंग लगा दी है इसी में। ये मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी, ये देखिए इसमें जो है अच्छे से किले निकल आए हैं, पत्तियाँ भी आ गई हैं। ये अलाइसम सूख गया था, फिर से होने लग गया है। ये वंडरिंग जीव की कटिंग है, इनकी हैंगिंग बास्केट मैंने तैयार की थी। तो ये देखिए, मैंने एक गुलाब के पॉट में का कटिंग लगा दी थी। ये मेरी क्रोटन की कटिंग है, ये देखिए, अब आप लोगों को ठीक से दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए 2 न्यू किले भी आए, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ आ गई हैं और ये सारी नई पत्तियाँ हैं। ये सिंगोनियम है, ये भी बहुत आसानी से चल जाता है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना है, इधर भी मैंने सफलेरा की एक छोटी कटिंग लगाई थी, वो भी चल गई है, इसमें भी नई पत्ती आ गई है। पर्पल हार्ट भी बहुत तेज़ी ग्रो होता है। टर्टल वाइन में ही मैंने सारे लगा दिए हैं, तो एक अच्छा सा लुक आ रहा है देखने में। ये मैंने पुदीना की डाल ऐसे ही लगा दी थी, ये भी चल गई हैं। इनको धूप में शिफ्ट करना, छाई की वजह से ठीक से नहीं चल रही। ये पीस लिली की भी मैंने कटिंग ही, मतलब जो इसका बल्ब होता है उसके समेत मैंने इसको लगाया, ये भी चल गया है। ये एक और मेरा कॉटन का ही है, ये जो गोल्डन डस्ट वाला होता है, इसी की कटिंग मैंने लगाई, ये भी चल गई है, इसमें भी छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं।
मार्च अप्रैल में आप अगर कटिंग लगाते हैं तो आसानी से चलती है। ये चेन प्लांट है, बास्केट हैंगिंग भी बोलते हैं इसे। इसकी भी बहुत छोटी छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी, अब देखिए पूरा फूल खिल गया है। इसकी भी कटिंग आसानी से चल जाती है। ये मैंने कुछ और भी सिंगल लीव से मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ, जब ये हो जाएंगे तब मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये तो मैंने अभी लगाई हैं, ये मेरे कोलियस की मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी चल गई हैं। अब इनको मैं रिपॉट करने जा रही हूँ, इनके लिए मैं छोटे छोटे से पॉट लाई हूँ। ये देखिए इनकी रूट्स, और ये बहुत ही डेलिकेट्स होते हैं, इनकी रूट्स भी नहीं टूटनी, तो ऐसे पहले हम होल कर लेंगे, फिर उसी में और इसको आसानी से ऐसे ही रख देंगे। और इसकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी सी होनी चाहिए, इसमें रेत ज़रूर मिला लें अगर मिट्टी में रेत नहीं है तो, और हल्का सा थोड़ा सा कोकोपीट भी, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर रहे। इसी तरह से अब हम ये सारी कटिंग्स अपनी लगा लेंगे। मैं एक हाथ से ही काम कर रही हूँ, एक हाथ में मेरे फ़ोन है इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। और आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है हाँ मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगा। देखिए इसी तरह फिर से हम होल्ड करेंगे और फिर इसको हम रख देंगे, क्योंकि जड़े नहीं टूटनी है, डाल भी बहुत ही सॉफ्ट होती है, टूट जाती है, इसलिए इसको ऐसे करके और टू फिंगर्स से इसको हम ऐसे पुश कर देंगे, जिससे ये इसकी जड़े आसानी से मिट्टी को पकड़ दें। ओके फ्रेंड्स, बाय।